कराची की मकामी अदालत ने औरंगी टाउन डकैती केस में गिरफ्तार जेरे तरबियत डीएसपी उमर तारिक को एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे इरफान उल हक में ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान उल हक, बताइए पुलिस अब इस सिलसिले में क्या बता रही है? देखिए, ये पुलिस का बताना है कि दो गनमैन भी इस वारदात में शामिल थे और तहम इसकी जो तफ्तीश है उसका आगाज किया गया है और जो महकमा जाती कार्रवाई है उसका भी आगाज कर दिया गया है। अदालत को इब्तदाई तौर पर बताया गया कि मुलजिम से तफ्तीश शुरू की जाएगी और इस हवाले से जिस्मानी रिमांड मुलजिम का दिया जाए ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। अदालत ने एक रोज का फिलहाल जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और इसके वाकई में मुलविस दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया जाए और जब दोबारा मुलजिम को पेशी के लिए लाया जाए तो इस हवाले से जो भी तफ्तीश में प्रोग्रेस हो उससे भी अदालत को आगाह किया जाए। इस हवाले से अदालत ने यह भी हिदायत की है कि जो शवाहद हैं डकैती और इल्जाम और अगवा के, इन तमाम तर की जो तफ्तीश होगी उसकी एक तफसीली रिपोर्ट मुलजिम के साथ आइंदा समाअत पर पेश की जाए। इरफान उल हक, बहुत शुक्रिया आपने इस बारे में अपडेट किया।